सुहागरात के बाद रोडीज शुरू होगा, तू कर पाएगा? सुहागरात तो मजा आएगा ना यार। साले हाउसी शक्ति कपूर के घुटने जैसा तेरा मुंह, तेरे को तो रोडीज नहीं, तेरे को तो कुत्ता बनाना चाहिए। आइंदा अगर फॉर्म में आना टी सीरीज फेंक के मारूंगी, रिमेक गाना ढूंढता फिरेगा। हेलो गाइस एंड बेसिस, मैं सूरज कुमार और आज मैंने फिल्म देखी करण जौहर मतलब शुभ मंगल ज्यादा सावधान। और शुभ मंगल ज्यादा सावधान के बारे में मैं यही बोलूंगा कि दिस मूवी इज ज्यादा से ज्यादा लल्लन टॉप। एकदम बवाल डायलॉग्स, सिचुएशन एकदम ब्यूटीफुल क्रिएट हो रहा है, मैस ऐसा हो रहा है हर एक सीन्स कि देखने में मजा आ जा रहा है। सेकेंड हाफ थोड़ा सा स्लो है, फीका है और एंडिंग भी ऐसा लग रहा है ओके, लेकिन फर्स्ट हाफ डेडली हिलेरियस, मजेदार। एनीवेज फिल्म का डायलॉग्स है कियारा आडवाणी की तरह, तो फिल्म के स्क्रिप्ट है डब्बू रत्नानी की तरह, मतलब डायलॉग्स बहुत ही सुपर्ब है एंड फर्स्ट हाफ टोटल एंटरटेनिंग हिलेरियस है, मजेदार है। अच्छा, फिल्म के कुछ कुछ हिस्से ना ऐसे है ना कि आप सोचोगे कि यार कैसे देखे, क्योंकि थोड़ा सा एकदम वियर्ड लगता है। ये कैसे इंग्लिश हो गई पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर उसके बाद जब एंडिंग तक पहुंचते ना, फिर ऐसा लगता है कि यार गलत तो नहीं दिखा रहे यार, सब तो सही बता रहे, जो उनकी फीलिंग्स है जो उनकी भावनाएं है सारी चीज़ें तो बयां कर दी वो लोग ने। यार आज के टाइम पर टाइम तो इतना बदल गया कि देखो यार बॉलीवुड सिनेमा किधर तक पहुंच गया और क्या क्या एक्सप्लोर कर रहा है और क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। और गे की स्टोरी दिखाने के लिए बाप रे बाप बहुत गट्स चाहिए यार, इस चीज़ के लिए तो हमें दांत देना पड़ेगा यार, लेकिन जिनको हजम ना हो तो उनके मुंह पे सीधा पात देना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म देखना पड़ेगा यार किसी को, क्योंकि ये भी तो एग्जिस्ट करता ही है यार। एनीवेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं, देखो परफॉर्मेंस की बात किया जाए ना तो आयुष्मान खुराना की बात करूँ यार, एक ही लाइन बोलूंगा कि आप मान या ना मान, लेकिन आयुष्मान इज रियल हनुमान ऑफ बॉलीवुड। सीरियसली वो एक ऐसा बंदा है ना जिसको देख के अपन बोल सकते हैं कि ये बंदा ना हीरो को हीरो प्रेजेंट नहीं कराता थिएटर में, एक कंटेंट को हीरो बना के प्रेजेंट कराता थिएटर में, एंड इसके लिए हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। और ऊपर से नीना गुप्ता का अगर परफॉर्मेंस देखोगे ना, आपको अपनी माँ याद आ जाएगी यार, शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यहाँ पर तो वो इस फिल्म की जान है जान, जब जब वो आती है ना स्क्रीन पे छा जाती है, उनको देख के हर एक ऑडियंस के चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है। एंड गजराज राव इज स्वीट डोरेमोन, ऐसा परफॉर्म करते हैं ना कि देखने में मजा आ जाता है। जितेंद्र कुमार ही इज सो नेचुरल, सो ब्रिलियंट, ऐसा लग रहा है यार ये लोग कैरेक्टर में घुस गए, एकदम मजेदार लगा यार, एकदम मजेदार। अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट मेरे को क्या लगा मालूम है, सेकेंड हाफ में ना ये लोगों ने ना एक सीन शूट किया है, एकदम म्यूजिकली शूट किया है, एंड उसको इतना यूनिक शूट किया है ना, एकदम मस्त लगा, एकदम वो ऐसा लग रहा था कि कुछ हटके था वो सीन, वो बहुत प्रिटी शूट किया था, एकदम मस्त। एंड फिल्म के एंडिंग से आप ऐसा एक्सपेक्ट करते कि मतलब आपको बेसन मिलेगा, लेकिन बेसन नहीं मिलता, आपको फिटकरी का पाउडर मिलता है, क्योंकि एंडिंग में आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, लेकिन वैसा वो निखर के नहीं आता है। ऐसा लगता है बहुत ही इजीली एक्सेप्ट किया गया है एंड बहुत ही इजीली इस चीज़ को चला के खत्म कर दिया गया, ऐसा लगता है कहीं कहीं, लेकिन अच्छा दिखाया, जैसा भी दिखाया अच्छा दिखाया, डायलॉग्स भी बहुत ही अच्छे इंसर्ट किए गए। अब आते हैं ओवरऑल इस फिल्म के मुद्दे पर कि क्या आज भी इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट करेंगे। यार मैं इस फिल्म से टोटल सहमति रखता हूँ यार, और ये फिल्म उन लोगों के लिए टोटली बूस्ट है, टोटली बूस्ट है यार। आज के टाइम पे कानून भी इनको क्राइम फ्री कर दिया, तो क्या हम क्या कानून से बढ़कर है? घंटा यार, लोग तो अंधे लंगड़ों को भी चिढ़ाते हैं यार, इनको तो और चिढ़ाएंगे भर भर के, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि लोगों को किसी के फीलिंग्स का कोई कदर ही नहीं, सीरियसली कोई कदर ही नहीं, और सबका अपना अपना एक फीलिंग रहता है, सबको अपनी ज़िंदगी शान से जीनी रहती है। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा कि आप सब अगर किसी की फीलिंग की कदर नहीं कर सकते तो कम से कम उनके फीलिंग की कत्ल ना करो प्लीज। एनीवेज मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार एंड इस कंटेंट के लिए 5 आउट ऑफ 5 स्टार, और जाइए मस्ट वॉचेबल मूवी है। एंड वीडियो अच्छा लगा तो मेरे मुंह पे मतलब सब्सक्राइब मारो और लाइक मारो, और गलत लगा तो फिर दिल से सॉरी चाहता हूँ। बाय।